नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। चाइना की ओर से पाकिस्तानी सैनिक फाइट कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिक भाड़े पर चाइना की ओर से भारत के खिलाफ फाइट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। इन सैनिकों के वीडियो में एक खुलासा हुआ है चौंकाने वाला, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सैनिकों को वीडियो में मातृभूमि मुझे नहीं भूलेगी, द मदरलैंड वॉन्ट फॉरगेट मी शीर्षक वाला एक चीनी राष्ट्रवादी गीत गाते देखा जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में इस वीडियो में दिखने वाले एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पहचान को लेकर शक जाहिर किए गए हैं। चीनी पत्रकार यानी कि चाइनीज जर्नलिस्ट ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कहीं शूट किए गए सैनिकों के यानी कि PLA के सैनिकों के एक वीडियो को शेयर करने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया है कि चीनी सेना भारत के साथ अपने सीमा विवाद को निपटाने के लिए पाकिस्तान की सहायता ले रही है। चीनी पत्रकार शेन शिवेई ने शनिवार को 52 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यहां पर हम PLA योद्धाओं से चीनी भारत LAC चाइना इंडिया LAC पर मिले हैं, शायद उनमें से कुछ गलवान घाटी में भी तैनात थे। उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है, इन सैनिकों को वीडियो में मातृभूमि मुझे नहीं भूलेगी उनका जो सॉन्ग है वो गाते हुए सुना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में इस वीडियो में दिखने वाले एक व्यक्ति की पहचान को लेकर शक जाहिर किए गए, जो कि ओसेंट विश्लेषकों के अनुसार विशेषताओं, ऊंचाई और शारीरिक बनावट के मामले में अन्य सैनिकों की तुलना में कुछ अलग दिख रहा है। दोस्तों, आप खुद ही जानते होंगे चीनी सैनिकों की बनावट किस तरह की होती है। चीनी सैनिकों की आंखें छोटी होती हैं, कद थोड़ा और छोटा होता है, और साथ ही साथ मुंह पे फेशियल हेयर्स यानी कि दाढ़ी और मूंछ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर एक और सैनिक दिख रहा है जिसकी कि ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। दोस्तों, PLA सेना के साथ झड़पों के कारण भारत चीन के बीच सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। इसी के दौरान एक झड़प के परिणाम स्वरूप जून में गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई थी। चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी में गश्त लगाने वाले पॉइंट 14 के आसपास चीन द्वारा निगरानी चौकी के निर्माण का विरोध करने के बाद भारतीय सैनिकों पर स्टड्स, लोहे के छड़ और क्लबों का इस्तेमाल करके नृशंस हमला किया था। दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने बताया कि सितंबर में चीन ने कहा कि मोल्डो में भारत के साथ सैनिक और राजनयिक वार्ता के दौरान बताया गया कि झड़प में भी उनके भी 5 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या US के इंटेल के हिसाब से कहीं ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ये संख्या बेहद कम बताई है, और साथ ही उस समय में नहीं बल्कि ये 3 महीने बाद बताई गई है 5 सैनिकों की संख्या। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये संख्या वास्तव में 40 और 50 से ऊपर है। दक्षिणी ब्लॉक के एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बातचीत में बताया कि इस झड़प में वास्तविक चीनी सैनिकों की मौत बहुत अधिक हुई होंगी। उन्होंने कहा, जब चीनी 5 कहें तो इनका कम से कम 3 गुना कर लें, यानी कि 15 से आप ऊपर डन मानिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि चीनी सेना ने आखिर पाकिस्तानी सैनिकों को आखिर यहाँ पे लगाया क्यों है। तो दोस्तों, PLA ने ये सोच के पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पे यूज किया है ताकि वो इंडिया के खिलाफ माउंटेन वॉरफेयर लड़ सकें। जी हाँ दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में चीनी सेना को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और इसे देखते हुए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को यहाँ पे तैनात किया है। कुछ सैनिक यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सैनिक और पीछे वाली पोस्टों में भी मौजूद हों। PLA को लगता है कि पाकिस्तान ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, करगिल वॉर जो कि एक हाई एल्टीट्यूड वॉर था और जिसमें कि पाकिस्तान की बेहद करारी हार हुई थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ऊंचाइयों पर था फिर भी उसकी बेहद करारी हार हुई थी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अनुभव ही उन्हें हार का हुआ था भारत के खिलाफ। और यहाँ पर LAC पे तो भारत ऊंचाइयों पर तैनात है, जिससे कि भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।